मेवाड़ डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। महोदय घर चाहे जितना भी छोटा हो, किंतु जब तक उसके आसपास के घर भी समान आकार के होंगे, तब तक छोटे घर की आर्थिक सामाजिक इच्छाएं महत्वाकांक्षाएं पूर्ण हो सकती हैं। परंतु जैसे ही छोटे घर के पास एक बड़ी हवेली बन जाती है, तो छोटा घर अपने मालिक की समाज में कम मांग और सीमित अधिकारों के बारे में स्थिति स्पष्ट करता है। लेकिन परिवर्तन और विकास प्रक्रिया के अनुसार वह छोटा घर बड़े घर में परिवर्तित हो जाता है, किंतु हवेली महल बन जाती है। इस परिस्थिति में जब जाहिर हो जाता है कि तब छोटे घर की उन्नति का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा और छोटे घर का मालिक स्वयं को उपेक्षित, संकुचित, असंतुष्ट और तुच्छ महसूस करेगा। हमारे अर्थशास्त्री मार्क्स इसी स्थिति के असंतुलन को दूर करना चाहते थे, किंतु उन्हें भी यह स्वीकार करना पड़ा था कि श्रम और पूंजी के हित एक हैं, किंतु अधिकार भिन्न भिन्न हैं। पूंजी यदि श्रम को काम ना दे तो श्रम चला जाएगा, और यदि पूंजी श्रम पर शासन ना किया जाए तो पूंजी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए यह आवश्यक है कि पूंजी श्रम पर अपना स्वामित्व कायम करे। पैराग्राफ चेंज। मानव अधिकारों के उल्लंघन की समस्या व्यक्तिगत रूप से हल की जा सकती है, किंतु संपूर्ण रूप से नहीं, क्योंकि किसी भी स्थिति, बिंदु, विषय और वस्तु का संज्ञात्मक बोध हो जाने पर हम उस स्थिति से, बिंदु से, विषय से और वस्तु से मुक्त हो जाते हैं। जैसे ही हमें परतंत्रता का बोध होता है, हम परतंत्रता से मुक्त होकर स्वतंत्र हो जाते हैं। अमरत्व का बोध होते ही हम जान लेते हैं कि मृत्यु सिर्फ एक स्थिति है, अंत नहीं, और जिसका अंत नहीं हो अमर है। मानव अधिकारों के बारे में उल्लंघन का बोध हो जाने पर इन उल्लंघन के प्रति विद्रोह कर इस कमजोरी से मुक्त हो जाते हैं और अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। किंतु वैश्विक तौर पर जब तक मानवीय विचारों के माध्यम से महत्वाकांक्षा, नेतृत्व की भावना, असत्य के प्रति राम की प्रक्रिया चलती रहेगी, तब तक मानव अधिकारों का उल्लंघन होता ही रहेगा और हम उल्लंघन करने को बाध्य हो जाएंगे।